जिला कांगड़ा में लोगों को रसोई गैस सिलेंडर से लगने वाली आग की घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर फायर ब्रिगेड जांच के प्रभारी मदन थापा ने उपस्थित लोगों और दुकानदारों को रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने पर इससे बचाव के गुर सिखाए और आग लगने पर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। जिला कांगड़ा में लोगों को रसोई गैस सिलेंडरों से लगने वाली आग की घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर फायर ब्रिगेड जांच के प्रभारी मदन थापा ने उपस्थित लोगों और दुकानदारों को रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने पर इससे बचाव के गुर सिखाए और आग लगने पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों को बताया कि रसोई गैस सिलेंडर की गैस पाइप और रेगुलेटर का समय समय पर निरीक्षण करते रहें और रात को रेगुलेटर बंद कर दें। साथ ही प्रयोग में लाए जा रहे गैस सिलेंडर के आसपास जलने वाला सामान ना रखें। उन्होंने इससे बचाव के और भी तरीके और सावधानियां बताकर लोगों को प्रशिक्षित किया। जब भी ये आप रेगुलेटर को हमेशा चेक करते रहें और जो आपके पाइप हैं उसको हमेशा चेक करते रहें। और इस बारे में हमें जैसे SDM साहब ने बताया कि डीसी ऑफिस से हमें ये ऑर्डर हुए थे, उसके उपरांत हम हर जगह पर हर जो फायर पोस्ट फायर स्टेशन वगैरह हैं ये इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इसके एक शेड्यूल भी बना के दिया हुआ, जैसे 7 तारीख को परसों जो था वो इंदौरा में था, इंदौरा SDM ऑफिस के वहाँ से BDO ऑफिस में हमने इस कार्यक्रम को 7 तारीख को भी किया। तो घरेलू गैस के बारे में क्या? हाँ, घरेलू गैस के बारे में बचाने के लिए हमेशा जो है गैस को जब भी आप इसको छोड़ते हैं, गैस को छोड़ कर जाते हैं, तो उसको रेगुलेटर को बंद करके जाएं। रात को सोते वक्त खाना खुना बना दिया तो रेगुलेटर को बंद किया जाए ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि रेगुलेटर में पाइप में अगर कुछ ऐसी चीज़ें गड़बड़ी हो जाती है या पाइप कोई लीकेज होगा तो उससे जो है आग लगने का खतरा भी हो सकता है। और जैसे ही बिजली आप ऑन किया आपने और गैस लीकेज हुआ, बिजली से कुछ थोड़ी सी भी स्पार्किंग हुई तो वो आग लग सकती है। इस मौके पर SDM नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि जिलाधीश के दिशा निर्देश पर लोगों को रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने की स्थिति में बचाव और सावधानियों के बारे में लोगों और व्यापारियों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि रसोई गैस से कोई हादसा ना हो। जिलाधीश महोदय की तरफ से आदेश प्राप्त हुए थे कि व्यापार मंडल के लोगों को प्लस आम जनता को जो है जागरूक किया जाए कि पीछे कुछ हादसे हुए हैं प्रदेश में, जिसमें जो है सिलेंडर को प्रॉपरली डील ना कर पाने के कारण जो है और आग कैसे बुझानी है उसकी सही जानकारी ना होने के कारण कुछ नुकसान हुए थे। तो इस क्रम में जो है हमने यहाँ पर ये एक ट्रेनिंग का एक ये जो है आयोजन किया हुआ है और जिसमें अभी हमने जो है जो डिग्री कॉलेज में स्टूडेंट्स को हमने अभी जो है जागरूक किया है और अभी हमने व्यापार मंडल के जो हमारे नूरपुर के लोग हैं इन सब को हमने। सिटी चैनल के लिए ज्वाली कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।